सारी संगत का जवान पवित्र आखो बाबा तेरे सच्चे दरबार दी सदा है मेरा गौस पाक ग्यारहवीं सच्ची सरकार दी लखदा ता पीर दी सदा है मेरे कोट रे सच्ची सरकार दी सदा है ख्वाजा करी नाथ दे दरबार दी सदा है नौ नाथरा सी सिद्धा दे दरबार दी सदा है पंच पीरां दे दरबार दी सदा है नौ नाथरा सी सिद्धा दे दरबार दी सदा है सत्ते मानियां दे दरबार दी सदा है अपने अपने गुरु उस्ताद दी सदा है अपने अपने गुरु पीरां दी सदा है अपने अपने माता पिता दी सदा है गौ माता दे दरबार दी सदा है फिर बोलो बापू निका शेख सरकार दी सदा है फिर बोलो बाबा पप्पू शेख सरकार दी सदा है फिर बोलो काली कमली वाली सच्ची सरकार दी सदा है फिर बोलो संत बाबू केसर मल बाबरी दी सदा है फिर बोलो निक्की भूआ दे दरबार दी सदा है फिर बोलो धरती ते समान दी सदा है फिर बोलो पीर दे जग दे चरागा दी सदा है फिर बोलो सिक्के ते मसले दी सदा है फिर बोलो गुग्गा सार पीर दी सदा है फिर बोलो गुग्गा सार पीर दी सदा है फिर बोलो गुग्गा सार पीर दी सदा है फिर बोलो बाबा हाजिरत हुंदे दरबार दी सदा है फिर बोलो बाबा हाजिरत हुंदे दरबार दी सदा है फिर बोलो बाबा हाजिरत हुंदे दरबार दी सदा है जय हां जी मेरा मालक लोग दसन की दस गया कहना जा पुत जैसी थोड़ी श्रद्धा भावना जैसा थोड़ा यकीन मालक दे उत्ते पक्का है जा बाबा कहना वे उस तरह मालक ने थोड़े तो भंडारा ले लिया जा बाबा कहना दाने दाने ते मोर लग गई थोड़ा दाना दाना अन्न पानी तुर दरगाह लेखे कहना कि इतने 70 गुणा उत्थे 170 गुणा होया किवें थोड़े यकीन ना थोड़ी सेवा थोड़ा लगन यकीन सिद्क भरोसा बहुत मालक कहना मैं खुश हाँ थोड़े ते बागो बाग कोई घाट नहीं कोई कमी नहीं कोई पेशी नहीं ठीक बाबा कहना जिमें जिमें सेवा करेगा पुत्र उवें उवें गांह वधेगा ठीक है यह राह इसका भी जेड़ा इस मंजिल दे विच राह दे विच पै गया जिमें जिमें गांह नूं वधदा जे आपां इक गिठ नहीं मांगे ना फकीर दो गिठां नहीं मिलदा ठीक है झूठदी नालों सच्ची करनी है थोड़ी कर ली पर सच्ची करी जहां मेरा फकीर की कहंदा गुच्ची जी गल कहंदा जेड़ा इत्थे बल पैंदा आ जेड़ा बल पैंदा कहंदा जाए आने वाले इसे दिन इसे तरीक दे फिर भंडारा आऊगा तेरी जवान चो बल निकल जूगा जा जे तां फकीर कहंदा तोते वाली आवाज ते कोमल आवाज तेरी साफ कीती मेरे फकीर ने मेरा गौस पाक ग्यारहवीं सरकार ने तां फकीर दा बचन जानी ने कहती कोई बूफड़ा भौंक गया सी जा पीर भी राजी है फकीर भी राजी है तेरे गद्दी दे बजुर्ग भी राजी है तेरे मालक भी राजी है मेरा गुरु मेरा फकीर जी ने राजी कर लिया ओदा कुल राजी है क्योंकि मैनू माण है मेरे फकीर ते बहुत कुछ दिता पुत मैनू बिन मंगया दिता बिन मंगया दिंदा दिंदा कदों जो डुल जियो जे आस रखी है फकीर ते यकीन रख्या बना के रखी समझ आ गई एक गल कह दिना जो तरक्की होंगी आसे पासे दियां कंधां लगन लग जांदियां डरना नहीं फकीर ते भरोसा रखी पुत जिहदे लड़ लग गया ओहदा इक दा उग चली समझ आ गई कमाउण वाले कोई मिलदा खाण वाले बहुते मिल जांदे आ समझ आ गई पर की इहनूं पुछी इहने संघर्ष लड़िया तेरी मां ने दुनिया दा मुसीबतां दा ते कदे इहदा दिल ना दुखाई पुत माई
मेरा पीर की कहना जा ती जबान चो बाल कटता जा मेरा पीर कहना ती जबान का बाल कटता जे तोते वांगू बोलिया साफ तो कहती कोई फकीर कह गया नहीं कहती कोई बूबड़ा पौंक गया समझ आ गई जिनी भी संगत बैठी है पुत सब ने दुआ करनी है पीर नू भी बाबा इस बच्ची के जबान के जो बाज बाज बाल कट के जाए सारे भरोसा रखी पुत अज का दिन तरीक आपके दिल से लिखनी हर साल मेला लग्या करूंगा मेरे फकीर के नाम लाने वाला पीर है तुम तो एक नौकर बन के रहना समझ आ गई अज की दिन तरीक जाए रख ली कापी से लिख ली चाहे कंधा से लिख ली फकीर कहना तू दिन रखा करी कराने वाला पीर आप समझ आ गई नंबर दो इतने थोड़े रिश्तेदार भी बैठे होने हैं भैन भाई बैठे होने हैं है ना किसी ने कोई भी गल करनी है अज कर लियो मेरे गुरु नाल मेरे मुर्शद नाल क्योंकि यह बच्चा साडा होने लगे रहू थोड़ा पर बजू साडा जे किसी ने अज कोई गल करनी है अज कर लियो चार दिनों इनू क्या या मेरे मुर्शद नू किसी ने कोई मंदा चंगा बोलिया साहब ला लियो समझ आ गई गल जिन्हों कोई डाउट कोई वहम कोई भुलेखा हो अज कढ लियो जिन्हें भी खड़े हो सबनों कहना कोई भी गल है पीर बारे फकीर बारे देवी देवते बारे सेवा बारे दुनिया की गलों बारे जो कुछ पूछना अच्छ पुछ लो बैठा इतने कलू चार दिनों तेनू किसी ने कहता या कोई बहरों गल आके कहे वह बर्दाश्त नहीं ठीक है माई थोड़ा मुढ़ करता कितने लो बचो जी आप ठंडा नहीं पाऊंगा हर एक दे हो के रहना आदत माड़ी नहीं होती हर एक दे हो के रहना आदत माड़ी नहीं होती हाँ जी बुजुर्गो खुश हो जब बाबा थोड़े दिन क्योंकि मालिक गल कहना है जिथे एकता उथे परमात्मा जिथे एकता है नहीं उथे रब का वास नहीं होंदा कदे जिथे एकता उथे पीर है पुत्र जिथे थवाक है उथे पीर है जे अज थोड़े मुंह ही अड्डा अड्डा तो पीर का भी कोई फायदा नहीं समझ आ गई माई बाबा की कहना हाजरी आऊगी पहला तेरे से बच्चे नु मारनी पऊगी थापी बोलो मारोंगे पहला भी बजी है कोई थापी पुत मैंने एक गल दिखाई आंदा पता नहीं सच्ची है पता नहीं झूठी है मेरी गल तो नहीं हुई कदे थोड़े नाल नहीं मुर्शद तो पहला कितने होर जाते होंगे सी बच्चे नु किसी दे लड़ लाउण दी सोची सी पहला भी नहीं हुण पहली दफा है जब पुत बाबा कहंदा अज तो फजल दी मोहर लग जानी है थोड़ा यकीन है किसी ने मंगया जरूर सी भी साडी झोली पाओ एक गल कहंदा बाबा पता नहीं सच्ची है झूठी है एक फकीर खड़ा तगमे बाणे दा जिन्हों साध कह लो चाहे संत कह लो चाहे फकीर कह लो तगमे बाणे दा कोई साध संत है फकीर रहिंदा डेरे दे विच कितने जानदे हो कोई बड़े बडेरे जठेरे जिन्हां नूं कह लिए उत्थे कोई तगमे बाणा या चिट्टा बाणा चढ़दा कोई लिया उत्थे अज दे दिन ते अज दे दिन तो पहलां कदे उत्थे गए हो जो अज का कार्ज किया सदा देन गए फकीर बाबा कहता सब तो वड्डा रौला मेरा कुछ नहीं होर थोड़ी गलती ना कोई भुल है की करना है भगमा बाणा लैना सवा सत्त मीटर का होर जो उत्थे लड्डू शक्कर पतासे देग जो चढ़दा बच्चे नू नाल लै जाना दोनों जिया ने तुसी जाना भावें तड़की जाओ जाके उन्हूं राजी करो थोड़े घर किसी चीज़ की घाट नहीं रखी बाज मारेगा पुत फकीर फिर घर बौड़ूगा वह जगह लगी हुई है थोड़े जठेर की थोड़े पुराने पिंड च है कितने है बला चौर उ कौन रहा
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਜਠੀਰੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤ ਸੰਤ ਆ ਉਹ ਫਕੀਰ ਆ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਤੀੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਸਜਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਫਕੀਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਜੋ ਰੰਗਤ ਆਵੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਟੇਕ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਫਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਵੱਜੋ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਛਾਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਛਾਂਟ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਛਾਂਟ ਚੱਲੂਗੀ ਚਬਕ ਚੱਲੂਗੀ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਤਿਰਤੇ ਰੰਗ ਭਰੂਗਾ ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਰਹੋ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਈ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਣ ਕੁਣ ਤਾਣੀ ਚੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਬੀਬੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਂਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਸ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਲੈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਉਨੀ ਕੁ ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਹੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਲ
सोच वांगू सोच पूरी नहीं हो रही, घर दे विच एकता नहीं हो रही, घर दे विच कलेश रहे, कलेश ही रहिंदा घर दे, दिन पर रात दा कलेश है। कई कबारी मां मेरी ये पक्कियां पकाइयां रह जांदियां खान दा हुक्म, इदां ही घर दे विच दारू प्याला भी चल, इदां ही तीन जाने कौन है घर दे विच, दो मेरे मुंडे आए इक इहनां दा चाचा है, तीजा घर घर वाला है, ते तिन्ने आपस च मिल के नहीं बह सकदे। हां जी हां जी, दो मुंडे तीजा बंदा खेरू खेरू हो भी मैं दसूं मैं तो बछली मैं बन के ओ मैं कर एक बिक्की ना ओ मैं एक माए बाबा यो वाला कौन है इना दा चाचा बज के लिया ए कोई गल रखूंगा बज के एक गुरु माता रानी की जोत जगानी है माई फिर लाला वाला पी एदी कोई चूरी दिनी है हां जी हां जी फिर ख्वाजा पी हां जी है फिर कोटले वाली सरकार मेरी कहनो नहीं मानती फिर एक पितर बुजुर्ग का श्राद्ध कर दिया हां जी हां जी नाम दा असि बस दो एक कुवारा छड़ा दो मेरे मुंडे मके है जी ਕੁਵਾਰਾ ਛੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੁਵਾਰਾ ਮੇਰੇ ਦੋਰੇ ਮੁਕ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਛ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੇਖ ਮਾਮੀ ਵੀ ਥੋਡੇ ਮਾਰਾ ਸਿਰ ਮਾਰ ਥੋਡੇ ਫਲੇ ਦੱਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਾਸੇ ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਾਸੇ ਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੱਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਬਾਜ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜ ਭਰਾ ਕੌਣ ਸੀ ਪੰਜ ਭਰਾ ਕੌਣ ਸੀ ਪੰਜ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬਾਜ ਜੀ Thank you.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਸਤਪਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਇਹ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਕਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਬੀਬੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਆਈਏ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਰ ਧਰਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਧਰਤਾ ਸੀ? ਗਾਂਧੀ ਗਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ? ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਨਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ। ਇੱਕ ਐਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਘਰੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੌਣ? ਉਹਨੂੰ ਜਠਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰੇ ਆ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ, ਕਬੀਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ। ਹੈ ਇੱਕ ਐਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ? ਟੈਕ ਵਾਂਗੂ ਟੈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਹੈਗਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਵੱਜ ਬਾਬਾ ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਪੁਰਸ਼